उसका सिफत देव मानुष इंसान, उनको इस नाम पर कि ये धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं पैसे देकर जबरन, ये गलत आरोप उन पर लगाए गए हैं। हम इसकी निंदा करते हैं, हम ये मांग करते हैं हुकूमत हिंद से और सदर जमहूरिया से, राष्ट्रपति जी से, ये फौरन मौलाना की रिहाई के आदेश जारी किए मौलाना को और उनके साथ दीगर तमाम उलमाए किराम को जो गिरफ्तार किया गया है उनको फौरन रिहा किए, ये मांग लेकर हम आज आए हैं। प्रांत कार्यालय में हमने निवेदन दिया है और उम्मीद है कि इस पर जो है और गौर किया जाएगा। हमारे दीगर जो मुस्लिम लीडरान हैं, कभी आजम खान को भी जो है अरेस्ट किया गया यूपी में, असदुद्दीन अवैसी साहब के जो है घर पर हमले किए गए, मौलाना डॉक्टर जफरुल इस्लाम साहब इनके घर पर जो है ईडी ने छापे मारे। तो हमारा ये कहना है कि मुस्लिम धर्मगुरु हो या नेता हो, इनको टारगेट ना किया जाए और मिल्लत इस्लामिया को खौफजदा करने की कोशिश ना की जाए। हम सब जो है इस मुल्क के शहरी हैं, हमारा बराबर का हक है, ये तस्लीम किया। उसका सिफत देव मानुष इंसान, उनको इस नाम पर कि ये धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं पैसे देकर जबरन, ये गलत आरोप उन पर लगाया गया है। हम इसकी निंदा करते हैं, हम ये मांग करते हैं हुकूमत हिंद से और सदर जमहूरिया से, राष्ट्रपति जी से, ये फौरन मौलाना की रिहाई के आदेश जारी किए मौलाना को और उनके साथ दीगर तमाम उलमाए किराम को जो गिरफ्तार किया गया है उनको फौरन रिहा किए, ये मांग लेकर हम आज आए हैं। प्रांत कार्यालय में हमने निवेदन दिया है और उम्मीद है कि इस पर जो है और गौर किया जाएगा। हमारे दीगर जो मुस्लिम लीडरान हैं, कभी आजम खान को भी जो है अरेस्ट किया गया यूपी में, असदुद्दीन अवैसी साहब के जो है घर पर हमले किए गए, मौलाना डॉक्टर जफरुल इस्लाम साहब इनके घर पर जो है ईडी ने छापे मारे। तो हमारा ये कहना है कि मुस्लिम धर्मगुरु हो या नेता हो, इनको टारगेट ना किया जाए और मिल्लत इस्लामिया को खौफजदा करने की कोशिश ना की जाए। हम सब जो है इस मुल्क के शहरी हैं, हमारा बराबर का हक है, ये तस्लीम किया।